हमें एक शेल्टर बनाना ही होगा। चलकर बाइक पर पैराशूट बांध देते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, इसके वजह से हम आंधी से बचेंगे। हमें बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सबसे अच्छे हो। सच कहूँ तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि देखा जाए तो अभी हम सबको मदद की जरूरत है। मुझे इस फोन को ठीक करके नानू को कांटेक्ट करने का रास्ता ढूंढना ही होगा। वो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन देख पाएगा। मुझे बस इसके सिस्टम पर काबू पाना होगा और सैटेलाइट के सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करके लोकेशन को अच्छे। ओहो, ये अब भी काम नहीं कर रहा। हाँ? थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैंने अभी मदद के लिए मैसेज भेजा है। जैसे ही वो मैसेज देखेंगे वो मदद भेज देंगे। लगता है हम तक किसी को भी पहुँचने में काफी वक्त लगने वाला है। मैंने कुछ सुना, शायद वो आ गए। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, शायद तुम्हारे कानों में धूल फंस गई है या शायद तुम्हारे दिमाग में धूल जम गई है। उबेद, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ मीलों दूर तक कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सालिम, सालिम क्या ये तुम ही हो? ये कौन है दोस्तों? ये मेरा भाई है तुर्की। देखा, तुमने अभी अभी कहा कि यहाँ पर मीलों तक कोई नहीं है, पर तुम्हारा भाई आ गया। तुमने हमें ढूंढा कैसे तुर्की? तुम्हारी मदद का जो सिग्नल है वो मुझे यहाँ तक ले आया। तुम यहाँ आंधी के बीच में कैसे आ गए, बताओ? क्या बात है, वो आ गए। मॉम डैड जल्दी आइए। मुझे खुशी है कि तुम सब सुरक्षित लौट आए। बच्चों बताओ तुम आज क्या करना चाहोगे? बीच चले? वहाँ ज्यादा रेत नहीं होगी। तो फिर कहाँ जाना है? हमें लौटा जाना है। ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, हमें इस पार्क के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे, सबसे डरावने झूले पर जाना ही होगा। हाँ चलो सबसे बड़ी, ऊंची और डरावने झूले पर चलते हैं। इस वाले पे। चलो जाकर मजे करते हैं दोस्तों। वाओ मजा आ गया, ये बढ़िया है ना दोस्तों? सच में ये राइड बढ़िया है, बहुत मजा आ गया है ना दोस्तों? चलो फिर से चलते हैं, चलो चलो। ये क्या है, बहुत बोरिंग राइड थी, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने सच में सोचा कि वो बड़ी मजेदार और तेज होगी। सालिम देखो, छोटे बच्चे भी हमसे आगे निकल गए हैं। हाँ हमें डरावनी राइड पर जाना है। हाँ बहुत ही डरावनी राइड पर। ठीक है रुक जाओ, मैं जाकर बाकी झूले देख के आता हूँ। क्यों ना हम वेव पूल पर चले। चलो मेरे पीछे आओ। वाह भाई क्या मजेदार है। ओह ये बड़ा वाला निकला, क्या बात है।
सालेम, ये भी बकवास है। फ्री में आइसक्रीम। आइसक्रीम कहाँ कहाँ है फ्री की आइसक्रीम बताओ। जरूर वो इस वक्त मजे से आइसक्रीम खा रहा होगा। या वो मस्त कहीं सो रहा होगा। तो पहले कौन जाएगा? सालेम, क्या तुम पहले जाना चाहोगे? क्या? मैं? चलो मैं? आगे बढ़ो सालेम, डरो मत। नहीं सालेम, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मुझे जाना है, तुम हटो। तुम नहीं जाना चाहते तो हम चले जाएंगे सालेम। शुक्रिया दोस्तों। पता है क्या, मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ, अब डर नहीं लग रहा। अरे वाह, तुमने मन बदल लिया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? सुनो, हम पहले जाते हैं ताकि तुम देख सको कि ये कितना आसान है। हम तुम्हें नीचे मिलेंगे सालेम। हाँ नीचे मिलते हैं। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए सालेम। तुम तब से अब तक यहीं पर हो दोस्त। अपनी बारी के लिए रुका था, अब चलता हूँ। ऐसा मत करो सालेम, मैं गलती से फिसल गया था। मुझे बचाओ। ये था ना मजा आएगा। मुझे खुशी हुई तुम्हें मजा आया। चलो फिर से चलते हैं। ठीक है फिर से चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं फिर से उसमें नहीं जाऊंगा। चलो उबेद, हमें इस तरफ चलना है। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं तो बच्चों के पूल में ही ठीक हूँ। मासो
बहुत अच्छे हो उबेद। मेरा भी हो गया। तुम्हारा हुआ मंसूर? अभी नहीं, होने ही वाला है। अच्छा, क्या तुम बताओगे कि तुम क्या कर रहे हो? मैं नानो का माइक्रोचिप अपग्रेड करूंगा। इस अपग्रेड के साथ वो बेहतर दिखेगा और ज्यादा समझदार हो जाएगा और वो उड़ भी पाएगा। क्या मजा आएगा सच में। कैसा लग रहा है नानो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक उड़ता रोबोट। नानो, तुम दुनिया के सबसे अच्छे आविष्कार हो। जल्दी करो मंसूर, जल्दी करो। हो गया, मुझे बस अब दो काम करने हैं और चिप इंस्टॉल करते ही तैयार हो जाएगा। पर पहले नानो को शट डाउन कर दो। हम बहुत जल्दी मिलेंगे नानो। बाय, गुड नाइट। और अब बस मुझे कुछ पीने के लिए लाना है। ओबेद, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया, मेरे लिए मेरे बैग में है। ओबेद, मेरे आने तक कुछ छूना नहीं। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं छूऊंगा, ठीक है? ओबेद, तुम किसी चीज को छू तो नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ ठीक है ना? हाँ? और अब वक्त आ गया है नानो 2.0 का। नानो 2.0 ड्यूटी पर हाजिर है। हेलो नानो, कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे अच्छा लग रहा है। नया चिप एक्टिवेट हो चुका है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना? हाँ, और उसकी आँखों को क्या हो गया है? पता नहीं। क्यों बर्ताव कर रहा है? पक्का इसके सिस्टम में वायरस होगा। इसे शटडाउन करना होगा। अब मुझे कोई शटडाउन नहीं कर पाएगा। बुक वापस दो। मैं देखना चाह रहा था कि ये स्कूल बुक थी। उड़ती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसे फेंकने की हिम्मत मत करना। सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ? बाहर जाओ चुपचाप। हाय, तुम लोग खेलना चाहोगे? नहीं। हम तो गए।
हेलो बच्चों। हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ तू केक यही रख रही हूँ ताकि तुम लोग बाद में खा सको। केक कौन खाना चाहता है? नहीं नानो नहीं प्लीज नहीं। ओबे तुम ये केक के साथ क्या मस्ती कर रहे हो? नानो ने किया। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो उबेद। उबेद झूठ मत बोलो, अब चलो खुद को साफ करो। मुझे माफ करिए। सच में ये केक तो बड़ा टेस्टी है। उबेद ये क्या गंद मचा दिया? हाँ? कैसे हो बच्चों? उबेद तुमने केक खाया? मरियम मेरी टाई कहाँ पर है? मुझे 10 मिनटों में एयरपोर्ट पहुँचना है। मुझे बताना तुम्हारे डैड बिना इसके एयरपोर्ट कैसे पहुँचेंगे? नहीं नानो मेरे डैड लेट हो जाएंगे। तुमने भी कमाल कर दिया। तुम्हें सच में लगता है क्या तुम मुझे रोक लोगे? मुझे मदद चाहिए, जल्दी से पाइप पकड़ो। बच्चों शैतानी बिल्कुल मत करना। हाँ इस चिप में जूस भरा हुआ है, ये कैसे हुआ? यकीन नहीं होता तुमने ये किया उबेद। मैंने कहा था ना कुछ छूना मत। मैंने किसी को भी नहीं छुआ था। झूठ मत बोलो। ओए मुझे माफ कर दो मंसूर, ये एक हादसा था। अच्छी बात ये है कि चाबियां मिल गई। सही कहा, बस अब उम्मीद है नानो काम करने लग जाए। नानो 2.0 आपकी ड्यूटी में हाजिर। कैसा लग रहा है नानो? अच्छा लग रहा है, शुक्रिया मंसूर, शुक्रिया। तुम कुछ तोड़ोगे तो नहीं ना, या किसी का होमवर्क लेके उड़ तो नहीं जाओगे? समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नानो तुम्हें चीजें कैसी ठीक करनी है आती है ना? हाँ इस नए अपग्रेड के बाद बिल्कुल आती है। ओह पता नहीं ये कैसे हो गया। Thank you.
रुको, तुम्हारे डाइटिंग के प्लान का क्या हुआ उबेद? तुमने सही कहा, इसे आइसक्रीम नहीं मिलेगी। मैं पूरी तरह से हेल्दी खाना खा रहा हूँ, पर उसका ये मतलब नहीं कि मैं इसे देख भी नहीं सकता या उसके सपने भी नहीं देख सकता। हेलो दोस्तों। हेलो शमा। गेस करो थोड़ी देर पहले मैंने क्या देखा? तुमने उबेद को आइसक्रीम शॉप की खिड़की चाटते हुए देखा है ना? नहीं, मैं बस थिएटर से लौट रही हूँ और मैंने रोबो ड्रैगन देखी, वो भी 3D में। इसे क्या हो गया? कुछ भी नहीं, ये बस बहुत एक्साइटेड है रोबो ड्रैगन के लिए, उसे देखने के लिए तड़प रहा है। सच में बहुत बहुत एक्साइटेड। पर हम अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि किसी का तो डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है। और हमने फैसला किया था कि हम सब वो फिल्म साथ में देखेंगे। बेचारा सालिम, उसे रुकना पड़ेगा, वो भी 3 घंटे, तब जाकर वो फिल्म देख पाएगा। 3 घंटे पूरे, मुझे उसे अभी देखना है। मैं तो चली शॉपिंग करने। मैं जानती हूँ तुम्हें वो फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, यकीन मानो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें इंतजार का फल जरूर मिलेगा। बाय 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 शम्मा, बाद में मिलेंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने हमसे पहले फिल्म देख ली। रिलैक्स, तुम भी जल्दी देख ही लोगे सालिम। रिलैक्स, तुम भी जल्दी देख लोगे। ठीक है, अब चलता हूँ, बाद में मिलेंगे, बाय। सकते और किसी को पता भी नहीं होगा। और उबेद, नहीं नहीं नहीं, अब चलो भी, हमने साथ में मूवी देखने का फैसला किया था। चलो ना मंसूर, चलकर अभी देख लेते हैं प्लीज। नहीं मतलब नहीं होता है सालिम, वादा वादा होता है। पर मंसूर, मुझे रोबो ड्रैगन देखनी है इस वक्त। देखो देखो, उन सब ने वो फिल्म देख ली है मंसूर, मैं मिस नहीं कर सकता। हाँ सालिम, देखो। अबे धोखेबाज चीटर। उसने हमारे बिना फिल्म देख भी ली। वो तो तुम्हें चाहते थे, उसके बिना फिल्म देखना चाहते थे। हाँ, चाहने और देखने में फर्क होता है, और उसने तो देख भी लिया। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं वो क्या सफाई देता है। हेलो उबेद। हाय शम्मा। डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट कैसा था? उन्होंने मेरे दांत से कीड़े निकाले और फिलिंग डाल दी, तो मैं 1 घंटे तक कुछ नहीं खा सकता। बड़े दुख की बात है, पर हे, इसकी अच्छी बात ये है कि अब तुम फिल्म देख सकते हो। उबेद, तुम यहाँ मिलोगे सोचा नहीं था। तुम कैसे हो? सब कैसे है? क्या चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट कैसा था? बहुत मजा किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ गया, तो क्या तुम तैयार हो फिल्म दोबारा देखने के लिए? दोबारा देखने के लिए? झूठे, तुम्हारे बलून्स कहाँ गए? और आइसक्रीम का क्या, तुम अकेले खा गए? मंसूर, इसे क्या हुआ? हमने सब देख लिया उबेद। क्या देखा? हमने तुम्हें निकलते देखा है, वो भी एक बड़े से रोबो ड्रैगन के बलून के साथ। तुम्हारे हाथ में आइसक्रीम भी थी। हाँ? नहीं, मैं कहीं नहीं गया और ना ही मैंने कुछ खाया। मैं तो अभी अभी डॉक्टर के यहाँ से आया हूँ। आ आ, देखो देखो, मेरे दांत में फिलिंग है, फिलिंग। मना मत करो उबेद। हाँ? ये दोनों मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं जब मैं सच कह रहा हूँ? घबराओ मत उबेद, मुझे तुम पर यकीन है। वो रहा सबूत, देखो। वो मेरे जैसे दिखता है, मैं उसके जैसे दिखता हूँ, मतलब हम दोनों एक जैसे। मेरे ख्याल से उन दोनों ने उसे थिएटर से निकलते वक्त देखा होगा और उन्हें लगा कि तुम हो। हाँ, तुम सही हो। सुनो दोस्तों, रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है।
परेशानी के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? मेरा नाम उबेद है। हेलो उबेद, और मैं हूँ उमर। उमर, हम अपने दोस्तों से मजाक करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी, क्या कहते हो? अच्छा सुनो, मुझे तुम दोनों से ना कुछ बात करनी है। ठीक है गाइस, तुम दोनों ने उबेद पर उसकी डाइट से चीट करने का इल्जाम लगाया है, तो तुम दोनों को ये दिखाने के लिए कि वो हेल्दी हो गया है और वो बेहतर हो रहा है, उबेद तुम्हें एक रेस के लिए चैलेंज करना चाहता है। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेस लगाएंगे मॉल की एक तरफ से दूसरी तरफ तक। पर उबेद, तुम तो जानते ही हो कि कौन जीतेगा। रेस लगाओ, देख लेंगे। उबेद, अगर तुम मॉल की एक तरफ से दूसरे तरफ हमसे पहले पहुंच गए तो मैं तुम्हें पॉपकॉर्न दिलवाऊंगा। ठीक है, पर याद रखना, क्योंकि मैं लार्ज वाला लूंगा। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है फिर, तुम इस तरफ से जाओ और उबेद तुम इस तरफ से जाओगे, ठीक है? जो सबसे पहले एंड तक पहुंचेगा, वो रेस जीत जाएगा। ये तो मक्खन होने वाला है। सही कहा, ये वाला तो मक्खन ही होने वाला है। तो फिर ऑन योर मार्क्स और गेट सेट एंड गो। हम उससे आगे आ चुके हैं और इसकी तो अभी से सांस भी चढ़ गई है। चलो सलेम, हम बस पहुंच ही चुके हैं, देखो। क्या? वो तो अभी हमारे पीछे था। ये नामुमकिन है। हेलो दोस्तों। कैसे 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 ये तुमने कैसे किया? बताओ कौन जीता? उबेद जीत गया। शाबाश उबेद। शुक्रिया। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से किसी को उबेद के लिए पॉपकॉर्न खरीदना होगा। रुको, एक और रेस हो जाए, ठीक है उबेद? और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा लार्ज पॉपकॉर्न और सैंडविच भी दिलाऊंगा। ऐसी बात है, तो जो कोई भी बिना लिफ्ट की मदद से सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा, वो जीत जाएगा। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं उबेद। जानता हूँ, पर मैं ये करना चाहता हूँ, मजा आएगा। ओके, तो रेडी, गेट सेट एंड गो। मैं तो अभी से थक रहा हूँ। हार मत मानना सलेम, बढ़ते रहो, हमें उबेद को हराना होगा। चलो। मैं थक चुका हूँ। चलो। बहुत थक चुका हूँ। कोई बात नहीं, हम बस पहुँच ही गए, हम पहले पहुँचे। उबेद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बड़ी देर कर दी। ये कैसे, इसने कैसे किया? मुझे और हवा की जरूरत है, मुझे दो दो उबेद दिख रहे हैं। मैं समझाती हूँ, ये है उमर और इसे ही तुमने थिएटर से आइसक्रीम खाते वक्त बाहर निकलते देखा था। तुम्हें इस पर शक नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें इस पर यकीन करना चाहिए था। तुम्हें इसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और एक एक्स्ट्रा लार्ज पॉपकॉर्न और एक सैंडविच भी खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। मुझे भी माफ करना, माफ करना उबेद। कोई बात नहीं दोस्तों, चलो चलकर फिल्म देखें। चलो बाय दोस्तों, मजे करना और फिल्म एंजॉय करना। क्यों, सीढ़ियों से नहीं जाओगे? तुमने बहुत अच्छा मजाक किया उमर, एक से निपटना मुश्किल था, अब दो हो गए, हद है।
हेलो एवरीवन, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। बहुत जल्द हम लैंड करने वाले हैं, तो प्लीज आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें। उबेर, तुम क्या ये सच में करने वाले हो? मुझे सही नहीं लगता। वहाँ सच में क्या लैंडिंग की आपने कैप्टन? शुक्रिया बेटा। ये तुम्हें क्या हो गया उबेद? शायद उबेद नया फैशन ट्राई कर रहा है। स्टाइल का नाम है मिल्क शेक। तो ठीक है बच्चों, हम पहुंच चुके हैं। जब तक हम अपना सामान उतारते हैं, तुम सब जाकर घूम कर आओ। पर जरा संभल कर जाना बच्चों। अबेद, मेरी गलती नहीं थी, बस इस बच्चे ने मुझे डरा दिया था। ओहो, देखो तो इसे, कितनी प्यारी है। चलो दोस्तों, इसे अपने साथ ले चलें प्लीज। नहीं, हमें इसे यही छोड़ना होगा, ये इसका असली घर है। पर प्लीज मंसूर। नहीं अबेद, नहीं, ये एक जंगली बिल्ली है और यही इसका घर है। मंसूर सही कह रहा है उबैद। ठीक है ठीक है, बाय बाय छोटू सी प्यारी बिल्ली। तुम्हारा स्वागत है बच्चों, क्या तुमने मजे किए? हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया। आराम से बैठकर कुछ पियो, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो जूस कौन पिएगा? ओबे, तुम कुछ नहीं पियोगे? हाँ, मुझे क्या दूध मिलेगा, वो एक कटोरी में? ओबेद, तुम्हें दूध कटोरी में क्यों चाहिए? ओबेद, ये आवाज कैसी है? ओबेद, उफ, ये यहाँ कैसे आ गई? ओबेद, तुम इसके लिए वापस गए थे ना? ओबेद, ये एक जंगली बिल्ली है और जंगली जानवरों को घरेलू जानवरों की तरह नहीं रखा जाता है, तुम्हें इसे जंगल में ही छोड़ना होगा। पर ये कितनी प्यारी है अंकल। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? अब इसे यहाँ रख दो। ये रहा इसका खाना, ताकि भूख लगे तो ये खा सके। नानो, देखो एक जंगली बिल्ली। एक जंगली बिल्ली, देखने दो जरा। स्कैनिंग शुरू करते हैं। 30% डन, 50% डन। बस हो गया बच्चों,
इसे खेलना बंद भी करो, इसे थोड़ा आराम करने दो। बिल्ली की जांच जारी है। पता नहीं क्यों आप सब इतने परेशान हैं। ये तो बस एक छोटी सी बिल्ली है और कुछ भी नहीं। फिर हमें ये बिल्ली पहाड़ों में क्यों मिली ओबेद? ये बच्चा पैंथर पादस निम्न प्रजाति का है, जिसे हम अरेबियन पहाड़ी टीले के नाम से जानते हैं। क्या? इसे घर से बाहर निकालना होगा। खालिद, मुझे इसका यहाँ होना ठीक नहीं लग रहा है। जरूर कोई गलती हुई है, ये वो नहीं है आंटी। ये बिल्ली का बच्चा कितना प्यारा है और शांत भी है। जैसा नानू ने कहा, ये वैसा जंगली तेंदुआ नहीं है। हमें उसे अभी वापस ले जाना होगा। उसकी माँ अगर उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई तो क्या करोगे? वो बच्चा सारा खाना खा गया और अचानक से बड़ा हो गया, बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। हम जाकर ले आते हैं। नहीं नहीं मत जाओ, वो सच में बहुत बड़ा है। तुम पागल हो गए हो, वो बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक है। ओबेद, वो तो बस एक छोटी सी बच्ची है, देखो। देखिए उसकी माँ उसके बच्चे को लेने आ गई है। मैंने कहा था ना, पर किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। अब हम क्या करेंगे? हमें इन्हें कैसे भी करके इनके घर वापस ले जाना होगा, पर हम कैसे करेंगे? आइडिया, मैं समझ गया। हमें थोड़ा सा मीट चाहिए, एक बड़ा डब्बा और नानो। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा काम किया। बाय बाय मेरे प्यारे फ्लफी। फ्लफी? दोस्तों, मैं तुम सबको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। देखो क्या मिला। क्या तुमने कभी आज तक इतना बड़ा मुर्गी का अंडा देखा है? मुझे नहीं लगता ये अंडा मुर्गी का है। नानो, क्या तुम इसकी प्रजाति का पता लगाओगे? हाँ जरूर, प्रोसीजर शुरू। इसकी पहचान हो गई है। ये अंडा एक विशाल टॉर्टस का है, जो कि 4 फीट की ऊंचाई तक बड़ा हो सकता है। ओबेद, हमने क्या कहा था?
तुम जो वर्कशॉप की सफाई में मेरी मदद करने आए हो उसके लिए शुक्रिया बच्चों। जो कुछ मुझे नहीं चाहिए तुम लोग जाकर उसे बेच सकते हो, उससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारी मदद के बदले इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ, ये बढ़िया आइडिया है दादाजी। बिल्कुल, और वैसे भी ये तो हमारी खुशकिस्मती। पता नहीं था कि यहाँ इतना सामान है। हाँ, दिख रहा है। ला 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 ला। देखो मुझे क्या मिला दादाजी। ओह, तुमने इसे ढूंढ लिया। मैं जानता था ये यही होगा। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या है ये? ये एक कंपास है, मेरे एक पुराने दोस्त हसन का। उसने ये मुझे दिया क्योंकि वो जानता था मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे खुशी है कि तुमने इसे ढूंढ लिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। बड़ी जल्दी बिकता जा रहा है। हाँ सच में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ये कबाड़ भी खरीदना चाहेगा। मेरा मतलब, मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं कि दादाजी के सामान इतने जल्दी बिक रहे हैं। उबेद, क्या तुम हमारे लिए थोड़े और डब्बे ले आओगे प्लीज? जाकर वो कंपास ले आओ। अरे ये क्या, दादाजी का कंपास? वो कंपास ऐसे नहीं ले जा सकता है, वो तो तुम्हारे दादाजी का है। सही कहा, हमें उसे लाना ही होगा। दोस्तों चलो जाकर उस पायरेट को पकड़ते हैं। मैं यहीं रुकूंगा और स्टॉल का ध्यान रखूंगा। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, ये कंपास दूसरी चीजों के साथ उस टेबल पर कैसे पहुंच गया? आहा, तो तुम साथ मिलाए। वो गलती से आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि वो वापस आ जाए। हाँ। हाँ? नानो, जाओ और उस लुटेरे को ढूंढो। लुटेरा मिल चुका है, इस तरफ जाना है। इस तरफ दादाजी, हम
कस के पकड़ लो, हम तेजी से जाएंगे। कंपास लौटा दो। वो आपका नहीं है, आपने चोरी की है। हाँ, वो आपका नहीं है। और ये तोता बदबू मारता है। दादाजी, वो उस तरफ जा रहा है। पकड़े रहना, हम उसके पीछे जा रहे हैं। बहुत अच्छे नानो, तुम्हारी बैटरी बाद में चार्ज कर दूंगा। मेरे ख्याल से मैं यहीं रुककर बोट पर नजर रखूंगा। चलो भी। तुम इस तरफ आओ अबे। वो कहाँ गया? वो हमसे नहीं बच पाएगा। वो रहा, उसके पीछे चलो। पकड़ो उसे, पकड़ो। ऐसा कोई भी नायाब चीज नहीं खरीद सकता है, समझे बच्चे? अंदर आ जाओ। हाँ, ये तुम्हें कहां से मिल गया? ये किसी बच्चे के पास था, उसने कहा ये उसके दादाजी का है। ये बात है, अगर ऐसी बात है तो हमें उससे मिलना चाहिए। आओ। कंपास मिला या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए, सारी मेरी गलती है, इन सब की कोई गलती नहीं। अरे घबराओ नहीं, चीजें कीमती होती हैं, पर दोस्तों की कीमत उनसे कहीं ज्यादा होती है। देखो कौन आया है। बच्चों मेरे साथ चलो, इसे सबक सिखाएंगे। अच्छा हुआ तुम लौट आए, ये बदतमीजी क्यों की तुमने? यही चाहिए ना तुम्हें? वापस दो, वो मेरा है। तुम्हारा कंपास? क्या तुम हसन हो? नहीं, हसन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, ये कंपास मुझे उसी ने दिया। उसे लौटाओ वरना। तो अब दूसरी बार मेरे दोस्त, मैं तुम्हें ये कंपास दे रहा हूं। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त, ये कंपास और तुम मेरे दिल के करीब हो। अच्छा, पर दोस्तों ये है कौन? ये वही हसन है जिन्होंने दादाजी को कंपास दिया था। ध्यान दो लल्लू। ऐसी बात है? मुझे मेरा कंपास फिर से मिल गया, लेकिन उससे भी कीमती चीज अभी बिल्कुल मेरे सामने है। और ये सब हुआ तुम्हारी गलती से। ये सुनकर खुशी हुई।
क्लास खत्म हुई। इस हफ्ते की ये आखिरी क्लास है बच्चों। उबेद और मैं स्विमिंग करने जा रहे हैं। तुम दादी माँ के वहाँ मजे करना। नहीं, नहीं करूँगा। तो हम तुमसे कल मॉल में मिलेंगे। रुको रुको, मैं तो भूल ही गया, एक मजेदार होमवर्क है। देखो वो रहे दादाजी। हेलो दादाजी। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? हम ऐसे घूम रहे थे और सालिम के लिए रुके थे। बहुत अच्छा। पता है क्या, सोच रहा हूँ साइकिल खरीद लूँ। वाह साइकिल, अच्छा है ना? इससे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता दादाजी। लेकिन बाद में खरीदूंगा, अभी कुछ खा लें। क्यों ना आप हमें एक आइसक्रीम ही दिला दीजिए। आइसक्रीम? चलो। कौन सी आइसक्रीम लोगे? मैं एक छोटी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लूंगा मैंगो के पीसेस के साथ। और मेरी वाली में डालना चॉकलेट, स्ट्रॉबेरीज और मैंगो और बनाना और उबेद। आप लोगों ने तो कहा था कि मेरे लिए फ्रूट अच्छे हैं। दरअसल बात यह है कि अभी मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, लगता है कहीं छूट गया। कोई बात नहीं दादाजी, मैं संभाल लूंगा। ओह, मैं भी पैसे लाना भूल गया। उबेद, लगता है मेरे पास भी नहीं है। जरूर मैंने यहीं कहीं खर्च दिए होंगे। माफ करना बच्चों, मुझे अपना पर्स ढूंढना है, तो बाद में आइसक्रीम खा लेंगे। अच्छा बच्चों बाय। बाद में मिलेंगे दादाजी। पर मेरी आइसक्रीम। चलो उबेद। हेलो शम्मा। हेलो दोस्तों। हेलो। तुम दोनों क्या कर रहे थे? हम सालम के लिए रुके थे और आइसक्रीम नहीं खा रहे थे। दादाजी हमें आइसक्रीम दिलाने वाले थे, पर जब वो पैसे देने लगे उन्हें उनका वॉलेट ही नहीं मिला। ओ, बहुत बुरा हुआ। अगर तुम दोनों हमें पहले मिलते तो आइसक्रीम खा लेते, पर अभी हमें जाना होगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ये लो तुम ये आइसक्रीम के वाउचर्स ले लो। शुक्रिया शम्मा, अगली बार हमारी ट्रीट होगी। क्या बात है, शम्मा कितनी अच्छी है ना। अब हम आखिरकार आइसक्रीम खा ही लेंगे, है ना मंसूर? मुझे जूस देना प्लीज। ये जो ले रहा है मुझे भी वही दो। और एक ये भी देना प्लीज। मंसूर देखो वहाँ कौन है। अली सर को यहाँ मॉल में देखना कितना अजीब है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अजीब ही तो है, ये सोचना कि उनकी अपनी कोई जिंदगी होगी, है ना। मेरा मतलब वो खाते पीते आम इंसान है जिनकी आम जिंदगी है। तुम्हें क्या लगता है, वो बस स्कूल में रहते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं? हाँ और क्या। यम्मी। ये क्या, कितने अजीब हैं। हाँ हमें इसे उन्हें लौटाना ही होगा। जल्दी चलो। तुम जाओ मैं आता हूँ। ये जरूरी है उबेद, चलो भी। पर आइसक्रीम भी जरूरी है दोस्त। वो किस तरफ गए होंगे? वो वहाँ। अली सर, अली सर। वो तो चले गए, वो हमसे ऐसे क्यों भाग रहे हैं? हाँ? इन्हें क्या हो गया? पर फिर भी हमें उन्हें ये देना ही होगा। सुनिए सर, सुनिए तो।
गायब हो गए क्या? कुछ तो गड़बड़ है उबेद, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा, चलो जल्दी। मंसूर, वो तो कहीं भी हो सकते हैं, कैसे ढूंढेंगे हम? समझ गया, नानो हमारी मदद कर सकता है। चांस तो बहुत कम है, पर तब भी कोशिश करते हैं। हेलो नानो। हेलो मंसूर। क्या तुम एली सर को ढूंढने में हमारी मदद करोगे? ठीक है, कोशिश करता हूँ। गुड न्यूज है, मुझे एली सर मिल गए। शाबाश नानो, बताओ कहाँ है वो? बताता हूँ, वो यहाँ पर है। अली सर, हमारे पास आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ओ, देखो सालिम आ गया। हेलो सालिम, क्या तुमने बड़े मजे किए अपनी दादी माँ के घर? नहीं, पर तुम दोनों ने क्या क्या किया? हमने अली सर को देखा। हाँ, और वो हमसे भाग रहे हैं। और उन्होंने अपना वॉलेट गिरा दिया। हाँ, हमसे भागते हुए गिर गया। तो उन्हें वॉलेट लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पर वो फिर भी भागते रहे। मतलब तुम अब तक नहीं जानते? नहीं, नहीं। क्या हुआ? मैं तुम्हें बताऊंगा तो नहीं, पर ढूंढने में जरूर मदद करूंगा। ठीक है, तुम मदद कर दो। किस तरफ गए हैं वो? ओके, चलो चले। पर इस बार हम छुपकर खामोशी से जाएंगे, कोई भागना नहीं और चिल्लाना नहीं, समझे? हाँ। वो गए कहाँ? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो। हाँ। मेरे पीछे आओ और ध्यान रहे वो देख ना ले। ऐसे छुपते क्यों जाना है, कितना अजीब है। तुम्हें जल्दी पता चलेगा। अली सर, अली सर, ये एक सरप्राइज है। मैंने आपको सबसे पहले देखा है, तो क्या मुझे मेरा इनाम मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। इन्होंने इनाम कहा? हाँ। थैंक यू। तुम ये कैसे जीत गए? तुम क्लास से जल्दी निकल गए कि तुमने सुना ही नहीं जब अली सर ने कहा कि आज स्पॉट योर टीचर डे है, क्योंकि मैंने उन्हें ढूंढ के स्पेशल वर्ड्स कहे, मुझे इनाम के तौर पर हाउस पॉइंट्स मिलेंगे। पर हमने आपको पहले देखा था। नहीं नहीं, तुमने स्पेशल वर्ड तो बोला ही नहीं। पर स्पेशल वर्ड तो हम जानते ही नहीं थे। वो तो तुम्हारी बदकिस्मती है। ओए, मेरा वॉलेट कहाँ गया? ओ एली सर, ये रहा आपका वॉलेट, आपने रेस्टोरेंट में छोड़ दिया था, इसीलिए हम आपके पीछे आ रहे थे। उबेद और मैं तो स्पॉट योर टीचर डे के बारे में जानते भी नहीं थे। हाँ, और आपको वॉलेट लौटाने के चक्कर में मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई। ओहो, मैंने सोचा तुम भी गेम का हिस्सा थे, पर अब मैं समझा तुम क्या करना चाहते थे। बहुत 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 शुक्रिया सच में बच्चों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइसक्रीम कौन खाएगा? मुझे। तीन आइसक्रीम बच्चों को दे दो प्लीज।
हो मेरे छोटू दोस्त? पेड़ से नीचे उतरो और मुझे प्यार करो। हा? चलो अभी मेरे कानों को सहलाओ। एक मिनट। लो बनाया। हे ये मेरा नया इन्वेंशन है, एक मिनिएचर वॉइस एम्पलीफिकेशन यूनिट। ओह बहुत बढ़िया। शुक्रिया अबे। बहुत गर्मी है, मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही है, मुझसे तो अब ये बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या हुआ बच्चों, बहुत गर्मी लग रही है? जाओ जाकर किसी बर्फीली जगह घूमाओ, तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है? बताइए ना पापा कहाँ? हिमालय जा सकते हो, मैं वैसे भी कल वहीं जा रहा हूँ, अगर तुम साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। हाँ लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, वहाँ खतरनाक यति रहते हैं। हाँ? ये यति क्या होता है? अरे तुम्हें नहीं पता, यति बहुत बड़े जंगली बर्फीले राक्षस होते हैं। दादाजी मजाक कर रहे हैं, यति असली में नहीं होते हैं। पर वो असली में होते हैं, इसलिए बच्चों जरा संभल कर रहना, तुम उनके नाश्ते जैसे दिखते हो। यति की बात सुन के मन तो नहीं बदल लिया ना? तुम्हारे दादाजी बस मजाक कर रहे थे, तो क्या तुम अब भी जाना चाहोगे? हाँ प्लीज हमें ले चलिए, सुनकर ही मजेदार लगता है, और वहाँ जाने से शायद सालिम गर्मी की शिकायत ही ना करे। मुझे यकीन नहीं होता कितनी ठंड है, जम गया है सब, इतनी ठंड कैसे पड़ सकती है? चलो कम से कम गर्मी की शिकायत तो नहीं कर रहा। एक तरीका है खुद को गर्म रखने के लिए सलीम। सच में? क्या? बर्फ की लड़ाई से। आई। सच कहूं दोस्त तो ये बढ़िया तरीका है गर्म रहने का, है ना? माफ करना उबेर, मैंने तुम्हारी गर्मी खराब कर दी। मेरे पास एक सरप्राइज है बच्चों, आ जाओ। देखो ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। हाँ, बहुत कूल क्या है। बात है। सुनो खुले रास्तों में ही रहना जहाँ तुम दिखाई दो, हेलमेट पहने रखना और जंगलों की तरफ बिल्कुल मत जाना। उम्मीद है हमें एक यति दिख जाए। नहीं नहीं दिखे तो बेहतर है। देखो इन्हें ब्रेक कहा जाता है उबेद, रुकने के लिए इसे दबाओ। हाँ काश तुम्हारे मुंह का भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। हाँ? क्या देखूं? बर्फ से भरा एक नहीं, पेड़। वहीं पेड़ के पास कुछ हिल रहा था, बहुत बड़ा और बालों वाला। तुम अच्छा मजाक करते हो। नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, वहाँ मैंने जो देखा वो शायद यति था। उबेद तुम जानते हो ना वो असल में नहीं होते। होते हैं सच में, तुम्हारे दादाजी ने भी कहा था। वो मजाक कर रहे थे। पर मैंने अभी एक देखा और उसने मेरे को हेलो भी कहा था। अच्छा फिर एक ही तरीका है पता लगाने का, हम खुद जाकर देखते हैं। चलो भी फिर उबे, चलकर तुम्हारे ही यति देखकर आते हैं, ठीक है? ओह ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है उबेद। ओ अच्छा,
फिर बताना ये क्या है? अरे नहीं, देखा मैंने कहा था ना, इस सब के पीछे जरूर कोई वजह होगी। हाँ है ना, और उसे यति कहते हैं। हेलो नानो। हेलो मंसूर। ये पैरों के निशान किसके हैं? रुको अभी बताता हूँ। पता चल गया, ये प्रजाति तो बिल्कुल अनजान है। तो क्या ये सच में यति हो सकता है? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, वो सच में नहीं होते। पर मैंने अपनी आँखों से देखा। सबूत के लिए फोटो की जरूरत है। ओके शुक्रिया नानो, अब अंदर आ जाओ वरना सर्किट जम जाएंगे। सही कहा तुमने। तो यति असली है कि नहीं, ये जानने के लिए उसकी फोटो लेनी होगी। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, खतरनाक हो सकता है। पर तुमने तो कहा तुम्हें वो असली नहीं लगते, तो बताओ खतरा किस बात का? मैं चलो इन निशानों का पीछा करें। पर वो तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। चलो भी, एक बड़ा राज खुल सकता है। मेरे लिए रुको। देखा तुमने, क्या अब मुझ पर यकीन हो रहा है? ठीक है चलो कुछ फोटोज खींच लेते हैं। यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा, हमें और पास जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? शायद एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा मोटा है। हेलो, कैसे हो? क्यों डर गए ना? दादाजी मैंने तुम्हारी वो आवाज बढ़ाने वाली मशीन यूज की थी तुम्हारे उल्लू बनाते वक्त, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मस्ती कर लूं। मैं पहले से ही जानता था ये कॉस्ट्यूम है। सच में मुझे बहुत खुशी है कि आप ही हैं दादाजी, और मैंने तो मान लिया था कि यति सच में होते होंगे दादाजी। तुम तीनों घबराओ मत, यति नहीं होता है। हुँ? सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो। रुको। कमाल का शॉट था, सच में मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस गाइस। हाँ मगर एक इतनी अजीब बात है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि फिल्म में ये सब लोग भी होने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ अच्छा हुआ कि आज हमने पूरा दिन शूट कर लिया, और वो बड़ा स्नोबॉल आज का हाईलाइट था। हमें भी मजा आया, हमें भी मूवी में काम कर खुशी हुई। सही कहा ना मैंने? ये तो बदतमीजी है, ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हें लोगों को नहीं डराना चाहिए।
तुमने बहुत अच्छी कोशिश की भाई। अगर तुम्हें बेहतर बनना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें फुटबॉल खेलने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और पढ़ाई वढ़ाई कम करनी चाहिए। उठो और इसे पकड़ो। हे, थोड़ी देर के लिए गेम रुकते हैं, एक ब्रेक लेकर कुछ पीने चलते हैं। अच्छा आइडिया है। तुम लोग इस नई ड्रिंक के सैंपल्स क्यों नहीं ट्राई करते जिसका नाम है बिंगो पॉप। बहुत टेस्टी है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो हमारे यहाँ एक कॉम्पिटिशन भी हो रहा है जिसमें हम बिंगो पॉप के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। इससे आपका क्या मतलब है? इनके कहने का ये मतलब है कि जो ये कॉम्पिटिशन जीतेगा वो बिंगो पॉप के एड्स और पोस्टर्स पर आएगा। ये तो दिलचस्प है, मैं भी जीतना चाहता हूँ ताकि मैं मशहूर हो जाऊँ। मैं ही बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या मैं? हाँ? मैं होता तो तुम्हें सिलेक्ट करता, पर बिंगो पॉप वाले शायद तुर्की जैसी किसी मॉडल की तलाश में है, है ना? यहाँ लिखा है कि तुम्हें अपने फोटोज के साथ साथ एक ऐसे लिखना होगा, वो भी पूरे 200 शब्दों का, ये बताते हुए कि तुम्हें बिंगो पॉप क्यों पसंद है। क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास मसल जरूर है लेकिन दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है ना? मेरे पास फोटोज सबमिट करने के लिए तैयार है, अब मुझे बस ऐसे लिखना है जिससे मैं उस कॉम्पिटिशन को जीत जाऊँ। और इसीलिए मेरे भाई मैं तुम्हें गुड लक और गुड नाइट कहना चाहता हूँ। बाय बाय। सुनो तुर्की, तुम लिख रहे हो ना इस कॉम्पिटिशन? ओह बेचारा तुर्की, तुम्हारा जीतने का चांस ही नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? मैं बिंगो पॉप की कंपटीशन पर नजर रख रहा हूँ क्योंकि वो जल्द ही विनर डिसाइड करने वाले हैं। सालम, क्या तुमने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया? हाँ, लिया तो है। हिस्सा लिया तो है, पर सबको पता है कि कंपटीशन कौन जीतने वाला है। किसे पता, शायद तुम जीत जाओ। देख लेंगे। कुछ आया है क्या? तुमने पक्का मेरा फॉर्म भेजा था सलीम? बिल्कुल। दोस्तों, मुझे बिंगो पॉप से मैसेज आया है। बताओ क्या लिखा है। बाहर निकलो, इसमें इतना ही लिखा है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में मैं जीत गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस तुर्की, तुम्हारे बेहतरीन ऐसे की वजह से तुम्हें एक साल के लिए बिंगो पॉप और उसकी सारी एड्स में काम करने का मौका मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिखा था, हमें पढ़कर सच में बहुत मजा आया। सच में? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। ओके, तुम्हारी कॉस्ट्यूम्स ये रही। तुर्की, तुम इसे पहनोगे और तुम्हारे दोस्त वो ये वाली पहनेंगे। तुम सच में कमाल के लग रहे हो सालिम। घबराओ मत सालिम, हम सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब सिवाय उसके। सब के सब बढ़िया लग रहे हैं। हम कुछ फोटोज क्लिक करेंगे। बहुत अच्छे, अब हम सब एड की शूटिंग शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार है? एक्शन।
हेलो, मेरा नाम तुर्की है और मुझे बिंगो पॉप बहुत ही ज्यादा पसंद है। सच में पसंद है। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। तुर्की, क्या तुम्हें ये नया काम अच्छा लगा? हाँ, अच्छा तो है, पर मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अटेंशन तुर्की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जानते हो वो क्या है? आज रात तुम लाइव टीवी शो पर गेस्ट के तौर पर आओगे। चलो चलते हैं। तो बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए है, जितना चाहे पी लो। शुक्रिया। सच बताऊं तो पैर के कॉस्ट्यूम में काम करने से कुछ ज्यादा ही प्यास लगती है। नहीं 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 नहीं, आपका शुक्रिया, पर मैं पहले ही बहुत पी चुका हूँ। पर हमें तुम्हारी फोटोज चाहिए तुर्की, ताकि हम अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें। बढ़िया। ओए। अब एक और सरप्राइज है, देखो। देखो, मैं हर जगह हूँ सैलम, पर तुम बुरा मत मानना, अच्छा एक्टर ही जीतता है बस। ओ, ओ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बिंगो पॉप के नए चेहरे का स्वागत करना चाहेंगे, जिन्हें आप जल्द ही हर जगह देखेंगे। इनके लिए तालियां। शुक्रिया। इतना मशहूर लड़का बनने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है तुर्की? माफ करना, सच कहूँ तो अच्छा लग रहा है। तुमने जो ऐसे लिखा था, तुम उसी की वजह से ये कंपटीशन जीते हो। और मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा था जहाँ तुमने लिखा कि ये खूबसूरत मजेदार बस हैं, जानदार शानदार फल के बुलबुले के, जो तुम्हारे टेस्ट बड्स में गुदगुदी छेड़ देते हैं। और आखिर में तुमने अमेजिंग स्लोगन लिखा, क्या तुम हमें वो सुना सकते हो? मेरे ख्याल में मैंने ऐसा लिखा है कि ये ग्लजीज है और मैं इसे पीकर बस उड़ता जाऊं। नहीं, इसमें तो ऐसा नहीं लिखा। शायद यही लिखा था कि बिंगो पॉप मुझे छलांग मारने देता है जैसे एक कैंगरू। नहीं, इसमें ये भी नहीं लिखा। शायद याद आ गया, मैं बिंगो पॉप की वजह से अपना सर झुका दूंगा शर्म से। नहीं, तुमने अपने ऐसे में लिखा था कि बिंगो पॉप फ्रूटी बस्ट है, बस्टी फ्रूट का, तुम्हें याद कैसे नहीं है? सच कहूं तो मैंने वो नहीं लिखा था, मेरे भाई सैलम ने लिखा था। तो तुमने नहीं लिखा था? नहीं, पर मैंने इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई से मदद ली है। हमें जानकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, क्या तुम इस जूस का एक सिप लेकर अपना स्लोगन सुनाना चाहोगे, यानी कि अपने भाई का स्लोगन? ये वाला बिंगो पॉप बहुत ही घटिया है, मुझे टॉयलेट जाना है, वॉशरूम कहाँ है? मुझे खुशी है मैं ये कंपटीशन नहीं जीता। तुर्की, तुम्हें सोशल मीडिया पे 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। सच कहो सालम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि तुर्की मुझसे भी ज्यादा जीतना चाहता था, और मुझे पता था कि मेरा ऐसे उसके ऐसे से बेहतर था, तो इसीलिए तुमने मेरा ही मजाक बनवा दिया, वो भी लाइव टीवी शो पर। पर शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमसे बदतमीजी करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। हेलो तुर्की, अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं रह सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें तुम्हारे प्राइस का दूसरा हिस्सा मिलेगा। और वो क्या है? ये 1 साल के लिए बिंगो पॉप। तुम्हें पसंद आया ना?
डायनासोर के साथ फोटो लेते हैं। तुम दोनों को देखकर लगता है कि डायनासोर तुम्हें खा नहीं वाला है। नहीं, वो हमें नहीं खा सकता क्योंकि वो वेजिटेरियन है। इस बार तो बाल बाल बचे। लगता है तूफान आने वाला है। इन स्क्रीन्स पर देखो जरा, यहाँ से पूरा मॉल दिखाई दे रहा है। ये वही डायनासोर है जिसे हमने देखा था, इसका मतलब हम यहाँ हैं। और वहाँ देखो, आइसक्रीम काउंटर। हम इमरजेंसी पावर पर स्विच कर रहे हैं। पावर कट की वजह से सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि वो जल्दी से बाहर निकल जाएं। चलो दोस्तों, चलते हैं, जल्दी चलो। दरवाजा तो बंद है, हमें इस दरवाजे को खोलने के लिए सीक्रेट कोड डालना होगा। अंदर तो नेटवर्क भी नहीं है और लाइन भी कट चुकी है, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? ऐसी मुसीबत से नानो बचाता है। हेलो नानो, क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? मैं कोशिश करूंगा। लॉक को एनालाइज कर लिया है। तकरीबन 40 करोड़ पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसमें वक्त लगेगा। अब भी नेटवर्क नहीं है। नानो, क्या तुम्हें कोड मिला? मैं थक चुका हूँ, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। मैं 32,49,00,000 कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझे सही कोड नहीं मिला है। लेकिन अभी भी मेरी कोशिश पूरी तरह जारी है। बहुत अच्छे नानो, शाबाश। चलो तुम आराम करो, ठीक है? हेलो, कोई है यहाँ? कोई है? हेलो। हेलो पापा, क्या तुम लोग सब ठीक हो? हाँ हम ठीक है, पर एक मॉल में फंसे हैं। मॉल में फंसे हो? हाँ। तुम लोग फिक्र मत करो। हाँ समझ गया पापा, मैं सिक्योरिटी को लेकर अभी आया। आप जल्दी आइए, मेरे पापा आकर हमें ले जाएंगे। तब तक हमें मॉल में ही रुकना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? हम इतने बड़े मॉल में अकेले हैं, थोड़ी देर इस मॉल में घूमते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो। रहे थे, तुम्हारी शक्ल देखनी चाहिए थी जब वो शार्क आ गया था। शार्क? बिल्कुल ऐसी ही शक्ल हो गई थी तुम्हारी। वाओ, चलो रेस लगाते हैं। वाओ,
यम्मी। बचे। कहा था ना घबराओ मत, मैंने फासला नाप लिया था। पर कैसे? फिजिक्स की मदद से मैंने रफ्तार और फासला नाप लिया था, तो मुझे पता चल गया था मुझे कहाँ रोकना है। फिजिक्स भी डरावना है। हम तो बाल बाल बचे। ओ नहीं, उफ, अब हम क्या करेंगे? हेलो पापा। तुम सब ठीक हो? हाँ हम सब ठीक है, पर आप कहाँ हो पापा? 20 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ ओके ओके, ठीक है, बाय बाय। मेरे पापा 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या 20 मिनट में इतनी जल्दी? हमारे पास इस डायनासोर को पहले की तरह रखने के लिए वक्त ही नहीं है। घबराओ मत सालिम, ये गलती मेरी है और मैं अपनी गलती की जिम्मेदारी लूंगा। कोई बात नहीं दोस्तों, जल्दी से गाड़ियां रखकर वापस आते हैं और रोबेट की मदद करते हैं। चलो रोबेट के पास जल्दी चलते हैं। हाँ कहाँ तक पहुँचे रोबेट? घबराओ मत, और ये हो गया। हाँ कैसा लग रहा है? नहीं 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 उबेद, ये उसकी तरह लगी नहीं रहा है। चुप करो, हमारे पास 10 मिनट है, हमें जल्दी करना होगा। अकेले नहीं संभाल सकते, हमें एक साथ काम करना होगा। जल्दी करो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। तुम दोनों इसकी टांगे ढूंढो और तुम इसकी गर्दन ढूंढो और तुम पूछ, मैं शरीर ढूंढता हूँ। इसका सर कहाँ गया? सालेम, ये तो तुम्हारा काम था ना? मैं कर ही तो रहा हूँ तुर्की। हेलो पापा, मैं पार्किंग लॉट में हूँ। पार्किंग लॉट में है? बस 1 मिनट में। ओके, तो 1 मिनट में आ जाएंगे। हाँ बेटा। क्या बिजली भी लौट आएगी? हाँ हाँ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तुम लोग वहीं रुको। हाँ हम यहीं रुके हैं। बाय बाय। बाय। हमारे पास सिर्फ 60 सेकंड है, फिर सारे सीसीटीवी कैमरास चालू हो जाएंगे। उसके चालू होने से पहले हमें जोड़ना होगा। ओह, पर वहाँ कैसे पहुँचेंगे? मंसूर, क्या नैनो ऊपर उड़कर मुंडी नहीं जोड़ पाएगा? नहीं, इसकी बैटरीज खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? मंसूर, कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग ठीक तो हो? हम ठीक है। हमें माफ कर देना, हमने सोचा सभी लोग जा चुके होंगे। बच्चों तुम बोर तो नहीं हुए ना? तुम सबने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। ये मेरी गलती नहीं है।
तभी जरूर काम करेगा। हेलो पापा, देखिए। हेलो मंसूर, ये क्या है? मैंने नानो के लिए कुछ बनाया है जिससे वो टेनिस बॉल फेंक सकेगा। ये डिवाइस मैं नानो से जोड़ दूंगा और फिर नानो भी बॉल फेंक पाएगा और मैं। मंसूर, पापा को एयरपोर्ट जाना है, बातें बंद करो वरना उन्हें देर हो जाएगी। अब कैसा लग रहा है नानो? एक्साइटेड। देखिए पापा, मैंने नानो पर ये डिवाइस फिट कर दिया है। बहुत अच्छे मंसूर। मैं इसे गार्डन में आजमाता हूँ, आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। मंसूर, मैंने क्या कहा था? पापा से बात करूंगा तो उन्हें देर हो जाएगी। फिर इन्हें जाने दो, नैनो बाद में दिखा देना। प्लेन अपने आप नहीं उड़ने वाला। जब मैं ऑटो पायलट एक्टिवेट कर देता हूँ प्लेन अपने आप ही। मेरा मतलब वो अपने आप थोड़ी ना उड़ सकता है। क्या तुमने बना लिया? हाँ, मैं इसे टेस्ट करने जा रहा था। मंसूर, रेडी हो? रेडी। बढ़िया, तो चलो। कमाल है। जान लोगे क्या? हाँ? पापा पापा, आइए और अब देखिए ना। देखिए। रुको। ठीक है, अब हम सुरक्षित हैं। चलो। बढ़िया काम किया बेटा। मंसूर, कितनी बार कहूं? खालिद, आपको देर हो रही है, आप जाइए। चलो बच्चों, बाय। मैं तुम सबसे 3 दिन बाद मिलूंगा। माफ करिए मुझे। ठीक है, अंदर आ जाओ, जूस पिलाती हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे पापा का ब्रीफकेस। लगता है तुम मुसीबत में हो अब मंसूर। अगर पापा को बातों में उलझाया नहीं होता तो वो ब्रीफकेस नहीं भूलते। आप घबराइए मत, मैं इसे संभाल लूंगा। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें कॉल करके बोल दूंगा वापस आ जाइए। हाँ? अरे अब मैं क्या करूँ? हम मुसीबत में फंस जाएंगे। जरूरत की चीजें इसी में हैं, पासपोर्ट, वॉलेट, यहाँ तक उनका फोन भी। अब हम क्या करेंगे? ब्रीफकेस उन तक पहुँचाना होगा। चलो बच्चों। गेट 17।
38 वो उसी में होने चाहिए। पर वो गेट तो बहुत ज्यादा दूर है मंसूर। तो हमें जल्दी पहुंचना होगा। मुझसे नहीं भागा जाएगा, थक गया हूँ। ठीक है उबेद, यहाँ इस पर बैठो। क्या? पहले इस पे बैठ जाओ, हम मदद करते हैं। गार्डवन बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी से। यहाँ बच्चे ट्रॉली से खेल रहे हैं। आई रिपीट, यहाँ कुछ बच्चे ट्रॉली से खेल रहे हैं, मैं उन्हें रोकने जा रहा हूँ। ये ब्रीफकेस पापा तक पहुंचाना होगा, जल्दी करो। माफ कीजिएगा, बाद में समझाएंगे, इमरजेंसी है। बाय बाय। वो सिक्योरिटी गार्ड अभी हमारे पीछे है। मेरे सामने है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी, मैंने 3 बच्चों को अरेस्ट किया है। उनमें से 2 पतले हैं और तीसरा वाला बहुत मोटा है। थे। एक आइडिया है। नानो, ये बॉल फेंको। किस तरफ फेंको? पापा की तरफ। पर मुझे घबराहट हो रही है। घबराओ मत नानो, जल्दी फेंको। हेलो एवरीवन। मैं अपना ब्रीफकेस भूल गया। ये क्या था? पापा, पापा यहाँ, मैं हूँ इधर। ए, कहाँ भाग रहे हो? आपका ब्रीफकेस। ओह, थैंक यू मेरे बच्चों। क्या चल रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, घर से निकलते वक्त मैं अपना ये ब्रीफकेस भूल गया, पर मेरे बेटे ने अपने दोस्तों की मदद से वक्त रहते मुझे ब्रीफकेस लाकर दे दिया। सच में थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई मैं आपकी मदद कर पाया। कहना पड़ेगा मंसूर, बेहतरीन शॉट।
पहुंच गए। आखिरकार आइलैंड्स को देखो। वाओ, क्या बात है। यकीन नहीं होता मैं पैसिफिक ओशन के बीचों बीच हूँ। कुछ घंटे बाद दोबारा बीच पर मिलेंगे। खूब मजे करना बच्चों, पर अपना ध्यान रखना। कितने कमाल की सबमरीन है। क्या हम इसमें बैठ सकते हैं? कितना मजा आएगा ना। हमें उसमें कभी जाने नहीं मिलेगा। हेलो बच्चों। हेलो सर, कैसे हैं आप? आपकी सबमरीन अच्छी है। शुक्रिया। इससे आप क्या करने वाले थे? हम मारियाना ट्रेंच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बता दूं कि समुद्र का सबसे गहरा अनदेखा हिस्सा है। मुझे उम्मीद है वहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। क्या आप इसका दिमाग ढूंढने वाले हैं? बेकार जोक था। आपको क्या मिलेगा वहाँ? अभी तक तो मैं भी नहीं जानता। समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी अनदेखा ही है, तो उसकी गहराइयों में बहुत से अनजान जीव हो सकते हैं। समंदर की गहराई में अजीब राज छुपे हैं, बड़े और डरावने राज हैं, ऐसी चीजें जिनके मिलने पर तुम्हें अफसोस होगा। मैम, मुझे बहुत से काम करने हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे। चलो चलकर बाकी का आइलैंड देखते हैं। मेरा नया इन्वेंशन है। ये क्या है? ये होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। देखो, तुम किसी पर भी चला सकते हो। पहले इसका बटन दबाओ और कोई भी इमेज कैप्चर करो, फिर उसे प्रोजेक्ट कर सकते हो। ओ बेचारा छोटा सा बच्चा, तुम्हें भूख लगी है? तुम ये खाओगे? ओए, इससे मैं अच्छा लगा। शायद तुमसे केले की खुशबू आ रही होगी। ओए! मंकी, हमारे पास आ जाओ। इधर आओ छोटू उस्ताद। ऑटोमेटेड डाइव शुरू हो चुकी है। नहीं 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 नहीं, ये बहुत बुरा है। उसका बस खाके हो ही गया है। उबेद, इस वक्त इससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत है। हाँ, जैसे कि ये मुसीबत जो तुमने खड़ी की है। डाइव शुरू हो चुकी है। समंदर की गहराई तक का फासला है करीब 6 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब सफर का मजा लेते हैं, और कुछ कर भी नहीं सकते। उफ। हेलो बच्चों, मुझे सुन सकते हो? तुम ठीक तो हो? हम सुन सकते हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम अंदर क्यों गए थे? पापा, हम उबेद के दोस्त के पीछे यहाँ तक पहुँच गए और उबेद ने गलती से बटन दबा दिया। वो कौन दोस्त था? ये क्या, मेरी सबमरीन में एक बंदर है। घबराओ मत बच्चों, तुम सब काफी सुरक्षित रहोगे अगर तुम किसी चीज को हाथ ना लगाओ तो। ये सबमरीन तय किए हुए रूट पर समुंदर की गहराइयों में जाने वाली है। Thank you.
अजीब सी चीजें हैं। यहाँ भी कुछ कम अजीब चीजें नहीं है। देखो इसे मंसूर, ये मोंका है, आधा मंकी आधा लड़का। अब तुम सब मरियाना ट्रेंच पहुँच चुके हो। आज तक कोई भी इंसान इतनी गहराई क्या कोई बंदर आया है इतनी गहराई में? अरे नहीं 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 नहीं, ना ही लड़का, ना ही बंदर, ना ही इंसान, कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँचे है। हमारे स्कैनर्स यहाँ बड़े बड़े जीवों को ट्रेस कर पा रहे हैं। केकड़ा तो हाथी से भी बड़ा है। ये तो 10 हाथियों से भी बड़ा है। हाँ, इससे हम सैलड बनाकर खा सकते हैं। खूब सारा। ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? वाह, किसी ने आज तक इस जीव को नहीं देखा है। देखो तो वो कितना बड़ा है। हमने बहुत ही बेहतरीन खोज की है, ये तो शानदार है। ये हमें अजीब तरह से देख रहा है। हाँ, ये हमें ऐसे देख रहा है जैसे उबेद आइसक्रीम को देखता है। से लगता है हम उसका खाना है। घबराओ मत बच्चों, पर ये अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। माफ करना, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सबमरीन तय किए हुए रूट पर है, इसे रोका नहीं जा सकता है। हाँ? हमारी तरफ आ रहा है और हम अभी उसकी तरफ जा रहे हैं। हमें यहाँ से निकालिए। मैं क्या कर सकता हूँ? सोचो मंसूर, सोचो। खैर, मुझे लगता है हमें आखिरी बार खाना खा लेना चाहिए। नानो, क्या तुम सिस्टम ओवरराइड कर सकते हो और कंट्रोल्स दे सकते हो? कोशिश करता हूँ। जल्दी करो नानो। कोशिश करते रहो, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो शायद हम केकड़े का खाना बन जाएंगे। जल्दी करो नानो। सिस्टम ओवरराइड कंप्लीट। शाबाश नानो, शाबाश। अब मैं इसे यहाँ से निकाल सकता हूँ। क्या ये और तेज नहीं जा सकता है? मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं? आइडिया, हम उसे और बड़ी चीज दिखाकर डरा सकते हैं। हाँ? देखते हैं इस केकड़े को किंग कॉन्ग कैसा लगता है। ओ, काम नहीं बना, हम तो गए। दोस्तों, ये केकड़ा बंदर से भी नहीं डर रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसे तो डर ही जाएगा। किससे? इससे। वाह, मैंने आज तक इससे ज्यादा डरावनी चीज कभी नहीं देखी। हमने कर दिया। हाँ, सालिम के डरावने चेहरे की वजह से इतना बड़ा केकड़ा जो डर गया, अब हम घर जाएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो अब क्या हम उसकी लौटने से पहले वापस जा सकते हैं? हाँ, अच्छा आइडिया है, चलो घर चले। तुम सुरक्षित वापस आ गए बच्चों। हाँ, और शाबाश बच्चों, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम लोगों ने एक बड़े से केकड़े की खोज की, इसलिए इसका नाम होगा द जायंट मंसूर केकड़ा। तुम्हारा नाम केकड़े को दिया गया? मेरा नाम है मंसूर, मेरा नाम है मंसूर। मैं किसी से नहीं डरता सिवाय सालिम के बड़े डरावने चेहरे से।
अब्रा कडाब्रा। क्या हुआ उबेद? जादू थोड़ा डरावना है। पर ये असली थोड़ी ना है। अब क्यों ना ये इन्हें फिर पहना दूं? और अब मेरे आखिरी करिश्मे के लिए मिलवाना चाहूंगा लड़का बना खरगोश। मुझे 3 वॉलंटियर्स चाहिए, तुम और तुम। क्या आप दोनों प्लीज इस संदूक को अच्छी तरह से देख लोगे, देख लो कि वो खाली है या नहीं? हाँ ये बिल्कुल खाली है। शुक्रिया बच्चों, अब प्लीज सीट पर लौट जाओ और मेरा कमाल देखो। क्या तुम इस डिब्बे में जाकर बैठ जाओगे? अब्रा कडाब्रा। शाबाश, तुमने कमाल कर दिया। हाँ, तुम तो मजेदार तरीके से गायब हो गए। मैं तो नीचे गिरा था, पर सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। मौका मिलते ही मैं स्कूल में मदद करने आ जाता हूँ। वैसे भी जाफार मेरा पुराना दोस्त है। मुझे वापस ऊपर जाना है। इस दरवाजे को संभाल लेंगे। बिल्कुल। हाँ, और अब मैं इस डिब्बे और इस खरगोश को गायब कर दूंगा। एक मिनट, थोड़ा पीछे हटो। अरे बेटा पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो, पकड़ो। मंसूर कहाँ गया? शायद मेन गेट पर होगा, चलो देखते हैं। पकड़ लिया। हाँ, सब ठीक है ना मेरे दोस्त? हाँ हाँ सब ठीक है। अरे वाह, तुम इनसे मस्ती कर रहे थे ना? हमें जाने से पहले इस जगह की सफाई करनी होगी। कोई बात नहीं, मंसूर और मैं इसे अच्छी तरह संभाल लेंगे, तुम जा सकते हो, जाओ। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शो तुम्हारे बिना नहीं होता। हम बाद में मिलते हैं दोस्त। क्या किसी ने मंसूर को देखा है? हेलो शम्मा। हेलो दोस्तों, मंसूर कहाँ है? पता नहीं, जैसे ही जादूगर ने उसे खरगोश बनाया गायब। शायद वो जादूगर उसे वापस लड़का बनाना भूल गया। पर मुझे माफ करना, अब मुझे जाना होगा। बाद में मिलते हैं, बाय। ओह सालिम, मैं समझ गया, शायद मंसूर सच में खरगोश बन गया है। ऐसा नहीं है, वो जादूगर सच में मंसूर को थोड़ी ना। देखो, शो कमाल का था। याद है जब मैंने शैतानी जादूगर का किरदार निभाया था और तुम मेरे चिपकू असिस्टेंट बने थे? अब तो तुम मेरी बात मानोगे ना? देखो, मंसूर को खरगोश बनाकर वो दोनों कैसे खुशी से हंस रहे हैं। देखो, वो रहा मंसूर। क्या? कहाँ? वहाँ, उस पिंजरे में। बकवास मत करो, वो जादूगर उसे ले जा रहा है। उबेद, भागो! ओए, वापस आओ, मुझे वो खरगोश वापस दो। कोई तो पकड़ो उन्हें। हाँ? तुम्हारे दोस्त मेरा खरगोश लेकर भाग गए, अब मैं क्या करूं?
हाँ कुछ भी, उबेद और सलेम कभी भी चोरी नहीं कर सकते। मैंने उन्हें देखा, वो भी अपनी आँखों से। खरगोश वापस दिलाने में मेरी मदद करो, मेरी मदद करो प्लीज। बिल्कुल मैं करूँगा। उसे वापस लाओ। तुम क्या सोच रहे हो उबेद? तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि ये सच में मंसूर है? नहीं, मुझे यकीन नहीं मंसूर ही है। देखो लगता है सबके फोन ऑफ है, नानो की मदद ले सकते हैं। हेलो मंसूर। हेलो नानो, क्या तुम उड़कर उबेद और सलेम के घर जा सकते हो और देख सकते हो कि वो वहाँ है कि नहीं? ठीक है। नानो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, वो उड़ता भी है और मैंने उसे बनाया है। तुम्हारे पास उड़ने वाला एक रोबोट है? लोगों को लगता है मेरा जादू कमाल का है, पर तुमने अपनी सूझ से एक उड़ने वाला रोबोट बना लिया है। उबेद, शायद हमें इसे वापस स्कूल ले जाना चाहिए। नहीं, मैं कोशिश करूंगा इसे वापस मंसूर बनाने की। क्या मंसूर? मंसूर, मंसूर, ये वापस बदल क्यों नहीं रहा है? उसी से पूछो। हम जादूगर के पास चलते हैं, वही मंसूर को लौटा सकता है। मंसूर, सालेम अभी तक घर नहीं पहुंचा। शुक्रिया नानो, तो अब उबेद के घर जाओ। ठीक है। हेलो शम्मा, उबेद और सालेम को देखा? वो जादूगर के खरगोश को लेकर भाग गए। क्या? मुझे याद आ गया, जब मैंने उन्हें स्कूल से निकलते देखा तब उन्होंने मुझे एक मैजिक ट्रिक बताया, तो मैंने मजाक में उनसे कहा कि वो जादूगर तुम्हें खरगोश से इंसान बनाना भूल गया। मेरे ख्याल से उबेद ने मेरी बात को सच मान लिया। नहीं, वो ये नहीं मान सकते कि मैंने तुम्हें खरगोश बना दिया। उबेद तो जरूर मानेगा। मंसूर, उबेद भी अभी तक घर नहीं पहुंचा है। शुक्रिया नानो, अब तुम घर जाओ। ओए सुनो, फ्लॉपसी को तुम वापस ले आए? इसका नाम मंसूर है, इसे ठीक करो। तुम हमें जफार के पास ले जाओ ताकि वो इस खरगोश को वापस से हमारा दोस्त मंसूर बना दे। हाँ हाँ जफार, अब खेल खत्म। मेरे पास दो लड़के हैं फ्लॉपसी को लेकर, मेरा मतलब मंसूर, मंसूर। वो चाहते हैं कि तुम इसे वापस मंसूर बना दो। हाँ हाँ जल्दी मिलते हैं। हाँ, जफार ने मान लिया, चलो तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं। प्लीज अंकल, मेरे दोस्त मंसूर को वापस लौटा दो, वो ऐसे ही नहीं रह सकता है, उसे पहले जैसा बना दीजिए ना। अब्रा कटब्रा। मंसूर, तुम लौट आए। हाय उबेद, खरगोश बनकर कैसा लगा तुम्हें? शुरू शुरू में मजा आ रहा था, पर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शुक्रिया, हमारा मंसूर लौटाने के लिए शुक्रिया। क्या मैं इसे आइसक्रीम बना दूँ? नहीं, बस कीजिए, इसे पिघलने से पहले मंसूर बना दीजिए। अबरा कदाबरा। तुम घबराओ मत उबेद, अलग अलग चीजें बनने में भी मजा आता है, तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। ये लो। मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। ये तो हमारा पसंदीदा किस्सा बनेगा। उबेद, वो देखो तुम्हारा मंसूर। मुझे हंसी नहीं आई। आओ यहाँ आओ मंसूर, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। आओ आओ मंसूर।